और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तू सोए। सोए। एक कमरा चाहिए प्लीज। वन नाइट। सॉरी। वन नाइट। यस। भर दीजिए। सब भरना है जी। भर दीजिए। कोई वेटर या बेलबॉय नहीं है? नहीं, धंधा कुछ खास नहीं है, सारा काम खुद कर लेता हूँ, अच्छा भी लगता है। लाइट ना? ऐसा क्या? आप क्या करते थे? फैशन फोटोग्राफर। वेलकम। वेलकम। आइए सर। रूम में भी? वो क्या है ना सर, जो कॉरिडोर में नहीं पढ़ पाते ना, वो उन लोग के लिए। यार यहाँ पे कोई तो कमरा होगा जहाँ पे मैं सिगरेट पी सकता हूँ। क्या है ना, पूरा होटल नो स्मोकिंग होटल है ना सर। सर, जाने के पहले क्या बोला था मैंने आपको सर? किस बारे में? सिगरेट के बारे में सर। तो क्या रखना भी मना है? ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, तो मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, लेकिन पैकेट तो मेरा है, ये मुझे वापस दीजिए। कहा था ना सर? वापस दीजिए। मैंने कहा था ना सर, बोर्ड कहा था ना मैंने सर, अभी आप कल सुबह जब चेकआउट करेंगे तब आपको मैं पैकेट दे दूंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अच्छा शो है, बचपन में बहुत देखता था। बचपन का समय सबसे अच्छा होता है ना सर। माँ बाप जो कहते हैं बच्चे सुनते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो बहुत सही कहा आपने। मुझे अपने सिगरेट्स चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, मैं होटल के बाहर जाकर सड़क पे पी लूंगा। जैसे बाहर पीने से आपको लंग कैंसर नहीं होगा? लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो क्या है वो, अस्थमा। अस्थमा पता है आपको? सिगरेट पीने से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। मेरे पिताजी भी सिगरेट पीने से मर गए थे। I'm extremely sorry to hear that. वैसे आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या है, किसी भी आदत को छूटने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। बिल्कुल नहीं, गंदी आदत छोड़ने में कड़ा अनुशासन चाहिए सर। ऐसी आदत होती है जो घड़ी देखकर छोड़ नहीं जाती, छड़ी देखकर छोड़ी। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर जाइए ना अपने रूम में। अजीब आदमी है आप। चलो ठीक है, मैं आपका कहना मानता हूँ कि सिगरेट पीने से हजारों बीमारियां होती हैं, लेकिन
मानना ही पड़ेगा सर। हाँ ठीक है यार, लेकिन अपनी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं। और वैसे भी मैं आपका कहना मान रहा हूँ और मैं सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आप मेरा पैकेट मुझे दे दीजिए प्लीज। कमजोर है आप, अगर आप अब नहीं छोड़ सकते तो कभी नहीं छोड़ सकते। ये होटल तो जरूर छोड़ सकता हूं। सर आप बाहर नहीं जा सकते सर। क्या सर? जब तक आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते आप बाहर नहीं जा सकते। सर मेरे ख्याल से 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वा सकता हूं। 6 महीने की तो बात है सर। अच्छा तो 6 महीने के लिए मैं यहां आपके साथ रहूंगा। जी सर। Listen, you crazy. सर अगर मैं आपको मारूंगा ना आपकी भलाई के लिए मारूंगा, सच बोल रहा हूं सर। ये क्या कर रहे हो आप, पागल तो नहीं हो गए हो? एक सिगरेट की वजह से आपने गन निकाल दी? सर क्या है ना सर, जितने लोग गोली से नहीं मरते ना उतने सिगरेट से मरते हैं सर। देखिए प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर। प्लीज सर मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, आप बाहर जाके सिगरेट पियोगे ना सर, मुझे मालूम है सर। देखिए मुझे जाने दीजिए, मेरा घर है, बीवी बच्चे हैं। बच्चे हैं सर आपके पास? कितने? तो बच्चों का सोचिए ना सर। सर यकीन मानिए मेरा, मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है। और बाकी 30%? बाकी के 30%? आइए आइए सर, आइए आइए सर, प्लीज कम। अरे आइए ना सर। चलिए सर चलिए, माइंड योर हेड। ऊपर के कमरे में भी कुछ लाशें हैं सर, बहुत कोशिश की सर लेकिन 6 महीने के बाद भी ये लोग अपनी आदत नहीं छोड़े, क्या करता सर आप बताइए। सर आप मेरा यकीन मानो, दुनिया से आदत छुड़वाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। और 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वाऊंगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरे काम में मुझे मदद करने लगो। कितना अच्छा लगेगा ना सर, हम दोनों मिलकर दुनिया को इस गंदी आदत से छुटकारा दिला देंगे।
एक रूम मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। एक एसी रूम दीजिएगा। सर आपका, सर यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जन कल्याण के हित में सरकार द्वारा जारी